हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये देखिए हर्बल ट्री मैंगो ब्लीच। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फेस पे जो है ब्लीच कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो है प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस, ये ब्लीच मैंने जो है अभी मैंने ओपन की है, और ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि इस ब्लीच में जो है इसका प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले इसमें जो है ये पाउचेज है, ये देखिए ये प्री ब्लीच पाउच है। तो सबसे पहले आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो है ये इसमें जो है मैंगो ब्लीच, ये देखिए मैंगो ब्लीच क्रीम है। और इसमें है एक्टिवेटर, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो ऐसे देखिए ये है आपकी, ये देखिए ये है इसमें प्री ब्लीच क्रीम, ये वन टाइम यूज के लिए है। ये देखिए आप इसको वन टाइम में जो है पूरी फिनिश कर देंगे। ब्लीच यूज करने से पहले जो है आप ये प्री ब्लीच क्रीम यूज करेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इसको अच्छे से अपने ये देखिए अपने हैंड पे मैंने इसको जो है ले लिया है। और मैं इसको ऐसे रब करूंगी हल्के हाथों से, और जो है देन मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी विद आइस। प्रॉपर जहां जहां आपको ब्लीच यूज करनी है, प्रॉपर फेस पे, फोरहेड पे, प्रॉपर नेक एरिया में आपको जो है ये ब्लीच क्रीम अप्लाई करनी है। और 2 to 3 मिनट्स आपको जो है हल्के हाथों से इस क्रीम से जो है आपको मसाज करनी है। प्री ब्लीच क्रीम से गाइस आपके फेस पर जो है जब आप ब्लीच यूज करेंगे तो उससे जो आपको इरिटेशन नहीं होगी, कोई भी उसका कुछ इन्फेक्शन वगैरह है या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वो आपकी स्किन में अंदर तक नहीं जाएगा। कई बार ब्लीच यूज करने के बाद आपका फेस जो है रेड रेड हो जाता है। ये ब्लीच क्रीम जो होती है, प्री ब्लीच क्रीम जो होती है, ये उससे आपको जो है बचाएगी। देखिए हल्के हाथों से जो आपको 2 to 3 मिनट्स हल्के हाथों से जो आपको इसकी मसाज करनी है। गाइस इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, हल्के हाथों से आप इसको जो है इसे कोई भी ब्लीच से आपकी इरिटेशन नहीं होगी और आपकी स्किन जो है वो जो है आपकी सेफ रहेगी। तो गाइस 2 to 3 मिनट्स हो गए हैं और प्री ब्लीच क्रीम से जो हमने मसाज कर ली है, अब हम लेंगे एक बाउल। और स्टील का बाउल आपको नहीं लेना, आप ये प्लास्टिक का ले सकते हैं, स्टील अवॉइड करें। स्टील का जो बाउल होता है वो हमारी स्किन के लिए जो है अच्छा नहीं होता, तो इसलिए आप जो है प्लास्टिक बाउल ले सकते हैं। अब हम इसमें जो है मैंगो ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर ऐड करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं मेरी प्री ब्लीच क्रीम कंप्लीट हो गई है। और अब हम जो है ये देखिए 2 स्पून आपको अपने अकॉर्डिंग जो है लेनी है। अगर आपको फेस और नेक के लिए है तो 2 जो है टेबल स्पून जो है इनफ है। ये देखिए गाइस, ये मैं जो है इसमें बाउल में 2 टेबल स्पून जो है ब्लीच क्रीम मैं ले लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए कि मैंने जो है ब्लीच और एक्टिवेटर 2 पिंच एक्टिवेटर मैंने लिया है अपने फेस और नेक के अकॉर्डिंग। और आप इसको जो है अच्छे से ये देखिए आप इसको जो है मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा गाइस तो आपको इसको जो है 2 to 3 मिनट्स रेस्ट देना पड़ेगा, देन आप उसे जो है अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। जो एक्टिवेटर्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स जो होते हैं, वो अच्छे से जो है मिक्स हो जाएंगे।
डायरेक्ट आपको क्रीम में एक्टिवेटर डाल के डायरेक्ट आपको अपने फेस पे नहीं लगाना है, आपको इसको रेस्ट देना पड़ेगा 2 to 3 minutes का। और इसको अच्छे से जो है ये देखिए मैं कंटिन्यू जो इसको मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। तो भाई जी देखिए ये मेरी अच्छे से जो है ब्लीच क्रीम मिक्स हो गई है, और आप इसको जो है ब्रश से भी यूज कर सकते हैं, ब्रश का भी यूज कर सकते हैं लगाने के लिए, बट मैं अपने फिंगर टिप से ही जो है ये लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो है ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए गाइज अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपको अपने आईज एरिया से जो है उसको थोड़ा दूर रखना है, आईज कॉन्टेक्ट में ना आए। और सबसे पहले आप अपने उस फेस के उस एरिया में लगाएं जहां पे आपको जो है हेयर ग्रोथ ज्यादा है। देखिए देन आप इस साइड भी ऐसे लगाएंगे अच्छे से, आउट साइड में आईज कॉन्टेक्ट होनी चाहिए। अपर लिप एरिया पे ये जो है कम क्वांटिटी में ही आपका पूरा फेस जो है कवर हो जाता है। अगर आपको बैक एरिया में भी लगाना है देन आपको जो है क्रीम भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, और जो है एक्टिवेटर भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये मैंने केवल अपने फेस और अपने नेक के लिए बनाई है, तो मैंने आपको दिखाया 2 tablespoons जो है क्रीम और 2 pinch एक्टिवेटर। आप आईब्रोज से थोड़ा सा दूर गलती से आईब्रो पर लग जाए तो एकदम से इसका नहीं आता कलर, ब्लीच नहीं होंगे आपके बाल एकदम से, इसको भी टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में आप जो है कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। देखिए गाइस फेस मेरा कंप्लीट हो गया है, और अब अच्छे से जो है मैं अपने नेक पे लगाऊंगी। देखिए गाइस ये आप फेस पे लगाने के बाद एक बार हल्के हाथों से कोई भी आपके जैसे स्मॉल हेयर
जिसको हम बेबी हेयर बोलते हैं, स्मॉल हेयर जो होते हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो हल्के हाथों से एक बार ऐसे करना है आपको, हल्के हाथों से एक बार ऐसे करके पूरे फेस पे, और देन फिर आप इसको जो है अपवर्ड साइड में ऐसे करेंगे, जिससे आपके जो है स्मॉल हेयर भी जो है इसमें जो है कवर हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही यहाँ से अपर साइड में आपका जो है स्मॉल हेयर भी जो है कवर हो जाएंगे। सेम प्रोसेस यहीं पे ऐसे करेंगे, और सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे इसको अपर साइड में जो अच्छे से, जिससे कि आपके जो है स्मॉल हेयर जो है इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने साथ के साथ ऐसा कर लिया था, ये देखिए। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी जो है ब्लीच हो गया है, और अब मुझे वेट करना पड़ेगा 15 to 20 minutes, और देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो ब्लीच यूज़ करने से पहले गाइस आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको जो अपना है जो है अपने बाल टक करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके जो है हेयर जो है ख़राब ना हो, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपके जो है ब्लीच लग जाएगी तो वो आपके हेयर जो है फिर ब्राउन हो जाएंगे। सेकेंड थिंग जो है कि आपको अपने जो है यहाँ पे जैसे मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने टोवल लगाया हुआ है, कि आपके जो कपड़े भी ख़राब ना हो, और एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है ये ब्लीच यूज़ करनी है। ब्लीच जो भी ब्लीच आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है प्रॉपर प्रोसेस लिखा हुआ होता है, वैसे वैसे आपको जो है अपनी सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी प्रोडक्ट हो वो आप जो है यूज़ करें। ब्लीच भी जो है आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, देन उसका रिजल्ट जो है सबसे अच्छा आएगा। तो आइए अब मैं 15 टू 20 मिनट्स जो है वेट करती हूँ, और फिर देन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा आया। तो गाइस आप देख सकते हैं 20 मिनट्स हो गए हैं, और ये जो है इसके साथ जो है स्पैचुला मिला हुआ है, और अभी हम जो है देखिए चेक करेंगे कि हमारी ब्लीच जो है हो गई है या नहीं। देखिए गाइस हमारी ब्लीच हो चुकी है, अब हम इसे जो है रिमूव करेंगे। वैसे देखिए इन्होंने अपना फेस जो है अच्छे से नैपकिन से, ये देखिए गाइस ये मैंने जो अपना फेस अच्छे से जो है क्लीन कर लिया है। आप इसके लिए जो है सॉफ्ट टॉवल या हैंकी का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है आपको फेस को अच्छे से मतलब रब नहीं करना है, बिल्कुल लाइट उसे जो है हाथों से करना है। मैंने नैपकिन का यूज़ किया है, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे जो है ऑलरेडी जो है ग्लो आ चुका है, और स्किन भी मेरी जो है प्रॉपर क्लीन हो गई है। तो गाइज मैं भी प्रेफर करूंगी कि एक बार जो है आप ये ब्लीच जो है जरूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो है आपने ट्राई किया तो आपके फेस पे जो इसका ग्लो कैसा आया, और मेरे फेस पे तो आप देख ही सकते हैं। तो गाइज तो आई होप सो गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा पार्ट वन था, और करवा चौथ स्पेशल नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, और आप उसे जो है मिस ना करें। और थैंक यू सो मच। I'm